हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी मेक फ्यूचर। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज मैं लाई हूं आपके लिए हिंदी का श्रुति लेख का वीडियो। कक्षा 9 और 10 के बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कठिन शब्दों को इसमें मैंने सम्मिलित किया है, ध्यान से सुनकर आपको लिखना है। और मैं जो आपको लिखी हुई स्लाइड दूंगी उससे आपको अपने लिखे हुए को चेक करना है, और पूरा पैराग्राफ खत्म होने के बाद में अपनी गलतियों को चेक भी करना है। और जितनी आपने अशुद्ध शब्द जो आपने अशुद्ध शब्द लिखे होंगे उनको शुद्ध रूप से लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा इमला लिखने का, जब आप अपनी अशुद्धियों को शुद्ध रूप में लिखना सीख जाएंगे। आप भविष्य में उन शब्दों को गलत ना लिखें, यही इन वीडियोज़ को बनाने का पर्पज़ है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इस तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और जो अलग से CDP की, हिंदी की या मैथ्स की या EVS की क्लासेस आ रही हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है उसकी पढ़ाई करने में तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन ऐसा मत करिए कि वो वीडियोज़ देख के आप लोग परेशान हो जाएँ और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनकर आपको साफ साफ लिखना है और विराम चिन्ह भी लगाते जाइएगा। चलिए लिखना शुरू करिए। चमकीले सूरज पर, चमकीले सूरज पर धब्बे शुरू से ही, धब्बे शुरू से ही पाए जाते हैं, पाए जाते हैं खगोल वेत्ताओं ने, खगोल वेत्ताओं ने सैकड़ों वर्षों की खोज के बाद, खोज के बाद यह पाया था कि सूरज पर, कि सूरज पर इन धब्बों का, इन धब्बों का एक चक्र, एक चक्र लगभग 11, लगभग 11 वर्ष का होता है, 11 वर्ष का होता है। लेकिन पिछले, लेकिन पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से सूरज पर, सूरज पर दिखाई देने, सूरज पर ये धब्बे, सूरज पर ये धब्बे दिखने बंद, दिखने बंद हो गए हैं, दिखने बंद हो गए हैं। इससे, इससे दुनिया भर के, दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक चकित हैं, चकित हैं। नासा के वैज्ञानिकों, नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक, के मुताबिक ज्ञात स्मृति में,
ज्ञात स्मृति में ऐसा अब तक नहीं हुआ कि सूरज पर धब्बे बिल्कुल ना दिखाई पड़े हों। वे यदि इसे एक असाधारण घटना मान रहे हैं तो यह अनायास नहीं है तो यह अनायास नहीं है सूरज से धब्बों के गायब होने का अर्थ है कि उसकी चुंबकीय क्षमता खत्म हो रही है और वह सिकुड़ रहा है। सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो उससे पृथ्वी को होने वाली हानि की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कुछ वैज्ञानिक जहां इस वजह से भीषण सौर तूफान आने की चेतावनी दे रहे हैं वहीं कुछ का मानना है कि इससे पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाएगा कि जीवन असंभव हो जाएगा। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों
कि ऐसा क्यों हो रहा है नासा के वैज्ञानिक डेविड हेथवे और उनकी टीम ने अध्ययन के बाद पाया कि जो दो बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं हाल के वर्षों में उनमें से एक की गति तेज हो गई है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की बहस ने भी नया रूप ले लिया है पर्यावरणविदों का एक बड़ा वर्ग अब तक सूरज को ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह बताता रहा है लेकिन सूरज का हाल देखकर लगता है कि वह खुद प्रकृति में आ रहे परिवर्तन का शिकार हो रहा है यह भी संभव है कि सूरज के भीतर हो रहे परिवर्तन का पृथ्वी पर तत्काल कोई असर ना दिखाई पड़े लेकिन मौजूदा घटना ने वैज्ञानिकों को चिंतित तो कर ही दिया है चिंतित तो कर ही दिया है
तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना कि मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, अपने ही क्लासमेट्स को, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के तभी आप तक पहुंच पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।